कोरोना वायरस जब से शुरू हुआ तब से लोगों ने एहतियातन घरों में रहना शुरू कर दिया, बाहर निकलना बंद कर दिया और सरकार और एक्सपर्ट्स की तरफ से भी ऐसी ही हिदायतें दी गईं। लेकिन इस बीच बहुत से लोग हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास जाने से भी कतराने लगे क्योंकि उन्हें संक्रमित होने का डर सताने लगा। लेकिन आपको ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आपको कोई चोट या अन्य गंभीर बीमारी है या कोई शारीरिक समस्या हुई है तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, अपना इलाज करवाना चाहिए, ना कि खुद ही घर में बैठकर सेल्फ ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो अगर आप भी कोरोना क्राइसिस में हॉस्पिटल या क्लिनिक जाने से हिचकिचा रहे हैं तो हम आपको कुछ टिप्स बताते हैं जिसके जरिए आप हॉस्पिटल और क्लिनिक में भी खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा सकते हैं। कोविड 19 से बचने का एक उपाय तो यही है कि मास्क पहनें, क्योंकि हॉस्पिटल और क्लिनिक जैसी जगहों पर बहुत सारे मरीज आते हैं। आप मास्क पहनेंगे तो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स या दूसरे कम्युनिकेबल डिजीज से खुद को बचा सकेंगे। वैसे सिर्फ मास्क पहनना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो ग्लव्स भी आपके हाथों में होने चाहिए जो वायरस को आप तक पहुँचने से रोक सकते हैं। बाहर बहुत सी सतहों पर वायरस मिल सकता है जो आपके मुंह, नाक या आंख के जरिए शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है। ग्लव्स और मास्क पहनने के बाद आपको ध्यान में रखना है कि आप अपने मुंह को ना छुएं। अगर आपके ग्लव्स में वायरस है तो वो आपके अंदर जा सकते हैं। हाथों को बार बार धोना बहुत जरूरी है। याद रखें कि हॉस्पिटल में मौजूद सारे लोग बाहर से आ रहे हैं तो ओपीडी में कीटाणु की मात्रा ज्यादा हो सकती है। एक अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर साथ भी रख सकते हैं आप और उसे बार बार इस्तेमाल करें। इस बात का भी ध्यान रखें कि आप दूसरे मरीजों से कम 6 फीट की दूरी में रहें। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने पर आपके संक्रमित होने की संभावना कम हो जाती है। और जब आप हॉस्पिटल या क्लिनिक से वापस अपने घर लौटते हैं तो अपने सारे पहने हुए कपड़े जरूर धोएं। ये हम हमेशा से ही करते आए हैं लेकिन अब ये करना बहुत अहम हो चुका है। बाहर से आप घर पर वायरस लेके आ सकते हैं जिसके चलते आपको अपने पहने हुए कपड़ों को धो के डिसइंफेक्ट करना जरूरी है। इन सब टिप्स के बाद भी अगर आप फिर भी बाहर नहीं जाना चाहते तो आप वीडियो कंसल्टेशन के जरिए अपने डॉक्टर के साथ बात कर सकते हैं। याद रखें कि अगर आपको आपकी तबीयत बहुत खराब लग रही है तो इसे आप इग्नोर न करें और सही प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ हॉस्पिटल या क्लिनिक जरूर जाएं और अपने डॉक्टर की सलाह लें।